हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों के सामने एक और समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ, और वो समस्या है अगर आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बहुत कम यूरिन पास आउट हो रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट हो रहा है, या फिर यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के पास एक ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ, और वो है सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब वो प्रॉब्लम क्या है और कैसे, देखिए सबसे पहले जो ये कारण क्या है इस चीज़ का कि आप लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इन्हें दबाइए, और साथ ही आप जो पानी है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, पानी अगर साफ़ ना हो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर RO का पानी पी रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि RO का पानी जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान देता है। तो उसके लिए मैंने आपको जो आपका नॉर्मल पानी है उसको फ़िल्टर करना बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि बिना RO के आप अपने पानी को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, वो भी किससे, फिटकरी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर जो आपका यूरिन है, यानी कि जो बाथरूम है, वो बहुत ही आपको लग रहा है कि आएगा, लेकिन आपको बाथरूम आ ही नहीं रहा है, आपको बाथरूम ना आने की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, भारीपन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, जो ये आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर में जो ये आपका बीच वाला जॉइंट है, यहाँ से आप बिल्कुल इसका सेंटर लेंगे, और सेंटर लेने के बाद इस बिल्कुल सेंटर पे यहाँ आप निशान लगा लेंगे और कुछ भी ले लेंगे। देखिए, अगर आप सीड थेरेपी करते हैं तो वो अच्छी होती है, लेकिन अगर आप मैग्नेट थेरेपी करते हैं, जो मैग्नेट के सीड्स होते हैं वो अगर आप यहाँ लगाते हैं, और जो डॉक्टर टेप होती है उसको यहाँ पर लपेट दीजिए, ठीक है, और रात के टाइम अगर ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और उसको बार बार में स्टिमुलेट करती रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी यूरिन पास आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, यहाँ से, और ये आपको दोनों ही हाथों में दबाने, दोनों हाथों की मिडिल फिंगर में दबाना है। कितनी बार दबाना है, 5-7 बार दबाना है एक ही टाइम में, और कितनी कितनी देर बाद, 10-15 मिनट बाद आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका यूरिन पास नहीं हो रहा है, वो यूरिन ईजिली पास आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको फ्रीक्वेंटली बाथरूम आ रहा है, आपको जो बाथरूम है वो बार बार आ रहा है। आप बाथरूम करने के लिए गए, आप उठ कर के आए, फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बाथरूम आएगा, आप गए फिर से बाथरूम, तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप पीछे की साइड जाएंगे, और जो ये आपकी मिडिल फिंगर है, यहाँ से जो ये आपका मिडिल फिंगर और जो ये आपकी रिंग फिंगर है, इन दोनों के बीच में जहाँ पर ये इसका, देखिए यहाँ पर ये स्पेस है, जहाँ ये स्पेस ख़त्म होता है यहाँ एक गड्ढा बनता है, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से प्रेशर देंगे, बहुत अच्छे से प्रेशर देंगे। पहले इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से इसको स्टिमुलेट करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट को, और फिर यहाँ पर या तो कोई भी आप जो स्पॉट शॉप है वहाँ जाएंगे, आपको जो सीड्स हैं वो तो आपको घर पर ही मिल जाएंगे, चाहे आप मटर के दाने ले लीजिए, या मेथी के दाने ले लीजिए, या राजमा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उसको टेप में लगा करके यहाँ लगा सकते हैं। और अगर आपको मार्केट से लेना है तो आपको सीड्स, जो बहुत ही छोटे सीड्स होते हैं, आपको स्पॉट शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, मैग्नेटिक सीड्स बोलते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन उनका असर ज़्यादा अच्छा होता है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको यूज करें, दोनों ही हाथों में आपको यहाँ पर ये यूज करना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का, जहां पर ये जो स्पेस है वो खत्म होता है, वहां एक गड्ढा बनता है, वहां आप इसको प्रेस कीजिए, तो आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है बर्निंग सेंसेशन की, कि जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको यूरिन पास करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के बीच में देखिए, जो ये दूसरी वाली लाइन आती है, ठीक है, ये पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो ये दूसरी वाली लाइन के बिल्कुल इसी सीध में आइए, और दूसरी वाली लाइन के यहाँ पर, ठीक है, इसी सीध में आइए, पहले इसको हल्के से स्टिमुलेट कीजिए, और यहाँ पर कोई भी सीड ले लीजिए, उसको यहाँ चिपकाइए, और किससे चिपकाएंगे आप, डॉक्टर टेप से। रात के टाइम अगर ये चीज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको कंटिन्यू ये प्रॉब्लम है, और अगर कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं रहती है ये, तो जिस टाइम प्रॉब्लम है उस टाइम इस चीज़ को कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा और बहुत ही जल्दी रिलीफ होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम किसी भी तरह की होती है तब आप क्या करेंगे, तब आप मार्केट से बैद्यनाथ का चंदनासा नाम का सिरप आता है, उसे आप ले लीजिए, दो ढक्कन सुबह दो ढक्कन शाम को, मेडिकल स्टोर से मिलेगा, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं आप इसे, और उसमें दो ढक्कन ही पानी मिलाना है, दो ढक्कन दवाई लेनी है और इसको पी लेना है। तो इससे आपकी जो यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, या यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, या जलन हो रही है, या फ्रीक्वेंटली यूरिन आ रहा है, या फिर लेस यूरिन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सभी खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।